आज आपको कम बताएंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम लक्षणों का एक समूह है। सिंड्रोम का मतलब तो समूह। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम किन परिस्थितियों में लोग समझते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को समझने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि अगर इस सिंड्रोम के बारे में लोग जान ले और इसके हिसाब से चले तो हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियों से होने से हम लोग बचा सकते हैं अपने आप को। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोग ये जान करके कि हमें बीमारी होने वाला है भविष्य में और हमें पहले पता चल जाए, ये जानकारी आज आपको मिलने वाली है कि भविष्य में होने वाली बीमारी अभी आपको पता चल जा रही है। क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम शब्द का अर्थ होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आने वाले समय में बीमारी ला देगा, इसी को हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अगर साधारण भाषा में बोले तो सबसे पहले किसी का आने वाले समय में डायबिटीज़ होना या हार्ट अटैक होना या ब्रेन के अंदर खून की नली का बंद हो जाना और जिसको हम लोग स्ट्रोक या पक्षाघात बोलते हैं होना, तो इन सारी चीज़ों को होने से पहले जो चीज़ होता है उसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहने का मतलब है कि आने वाले समय में बीमारी होने की संभावना बन रही है, इसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे शुरू चर्चा करते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या क्या एक ज़रूरी अंग है। कोई व्यक्ति जो मोटा हो, जिसका पेट निकला हुआ हो, मोटा हो, अगर उसको हम लोग साइंस के हिसाब से चलेंगे तो कहा जाता है कि महिलाओं में 35 इंच और पुरुष में 40 इंच से ज़्यादा अगर उसके कमर के ऊपर परिधि है, यानी वेस्ट जहाँ होता है, जहाँ पे कमर होता है, उसके अगर चारों तरफ परिधि को हम लोग नापते हैं, यहाँ पे इसे नापते हैं, तो अगर वो 40 सेंटीमीटर ज़्यादा और 35 सेंटीमीटर सॉरी 40 इंच से ज़्यादा और 35 इंच से ज़्यादा, 40 इंच पुरुष के लिए और 35 इंच महिला के लिए, उससे ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये पहला अंग हो जाता है, ओबेसिटी होना, मोटापा होना। चूँकि अलग अलग हाइट के लिए अलग अलग चीज़ होता है, इसलिए आप इसे निश्चित कह नहीं सकते हैं। कहने का मतलब इसलिए थोड़ा सीधे पसंद बोल सकते हैं कि जो मोटा हो, क्योंकि कोई पुरुष अगर छोटे हाइट का हो तो उसके लिए 40 इंच की जगह 35 इंच ही हो जाएगा, कोई महिलाएं बहुत कम हाइट की हो 35 इंच की जगह 30 इंच ही हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि अगर आम लोगों की भाषा में कि पेट निकला हुआ हो। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। ब्लड प्रेशर जो होता है दो, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है जो ऊपर वाला वो 130 से ज़्यादा हो, डायस्टोलिक जो नीचे वाला 185 से ज़्यादा हो। जबकि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 के नीचे बनाया जाता है, लेकिन 130 और 85 से ज़्यादा चला गया ब्लड प्रेशर तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा का वो पूरा करता है। तीसरा हो गया ब्लड शुगर फास्टिंग। फास्टिंग शब्द का अर्थ होता है कि रात में कुछ नहीं खाते हैं और सवेरे जो जांच देते हैं ब्लड शुगर का, कम से कम 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा भूखे रहने के बाद, कुछ भी नहीं खाने के बाद अगर आप जाँच देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर जो है आपको नॉर्मल होता है 100 के नीचे, 100 के ऊपर एबनॉर्मल होता है। तो यहाँ पर 100 से ऊपर किसी का शुगर है फास्टिंग ब्लड शुगर, तो वो दूसरा हिस्सा हो, तीसरा हिस्सा हो गया। एक हो गया वजन का बढ़ा होना, दूसरा हो गया ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ, तीसरा हुआ ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ होना, चौथा और पाँचवा जो है लिपिड प्रोफाइल से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, जिसमें एक होता है ट्राइग्लिसराइड जो तेल और चर्बी बोल सकते हैं, उसका मात्रा खून में 150 से ज़्यादा होना, और पांचवा और आखिरी होता है HDL कोलेस्ट्रॉल। HDL कोलेस्ट्रॉल का कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर 50 से ज़्यादा है महिलाओं में और 40 से ज़्यादा पुरुष में है तब तो ठीक है, लेकिन उससे नीचे है तो वो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक कारण बनता है। तो सब मिलाकर हो गया, कोई आदमी का पेट निकला हो, उसका ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड तेल अचारी बढ़ा हो, HDL कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका मात्रा कम हो, तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा होता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पांच जो बात बोले उसमें कोई तीन अगर मौजूद हो या चार मौजूद हो या पाँच मौजूद हो तो हम उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कम से कम तीन चीज़ का होना जरूरी है। जैसे एक मोटा है, अब चार बज गया, उसमें से चार में से कोई भी दो हो जाए, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल में दो है, HDL कोलेस्ट्रॉल का कम होना और ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना, यानी इसमें से कोई भी चीज़ अगर तीन चीज़ है तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। मेटाबॉलिक कोई शिकार हो चुका है तो आने वाले समय, ऐसा नहीं कि उस वक्त ही, आने वाले समय 10 साल 20 साल या 30 साल वाले समय में वो व्यक्ति को हार्ट अटैक होने, डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम जानना जरूरी है,
किसी व्यक्ति का पेट निकला हुआ हो, अगर उसका शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा हुआ हो, चाहे हल्का ही बढ़ा हो, जैसे कि 130 और 80 से 85 से ऊपर है ब्लड प्रेशर, खाली पेट शुगर 100 से ऊपर है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। तो ऐसे लोग में करना क्या चाहिए, अगर किसी कोई आदमी को पता चल गया तो कैसे क्या करना चाहिए? तो करना ये है कि आप अपने डाइट और अपने वेट पर ध्यान दीजिए। अगर आप डाइट सही कीजिए, वेट सही कीजिए, डाइट सही कीजिए, वेट सही कीजिए। अब डाइट सही करते हैं तो वेट सही करने के डाइट के साथ एक्सरसाइज भी करना है। तो डाइट सही कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और वेट सही कीजिए। अब क्या हुआ, डाइट सही है, वेट सही है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो स्ट्रेस कम कीजिए, सही नींद लीजिए। या अगर किसी व्यक्ति को सोने में बहुत ज़ोर से खाटा मार रहे हैं तो वैसे व्यक्ति भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक होने की संभावना बनती है। या किसी के लीवर में बहुत फैट आ रहा है, चर्बी आ रहा है, अल्ट्रासाउंड जब करते हैं और लीवर में फैटी लीवर आ रहा है, फैटी लीवर Grade 1, Grade 2, Grade 3 इस तरह से आता है, लीवर में चर्बी दिख रहा है ज़्यादा, तो वो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है। किसी महिलाओं में खास करके ओवरी में बहुत बहुत छोटा छोटा पानी भरा हुआ सिस्ट है, ज़्यादा इसमें बोलते हैं पॉलीसिस्टिक, यानी ज़्यादा सिस्ट वाले ओवेरियन डिजीज, वैसे लोग में भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का शिकार आता है। तो चीज़ें, ये सब चीज़ से बचने के लिए भी आपको डाइट सही कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वेट सही कीजिए। वेट में आपको बता दें, किसी का वेट अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर वो 5 से 10% अपना वजन कम कर ले, जैसे किसी का 80 kg वेट है, उसका वेट ज़्यादा है, उसके लिए मान लीजिए 65 kg सही था, 80 है उसका वेट है, तो वैसे परिस्थिति में अगर 80 में अगर 10% होता है 8 kg और 5% होता है 4 kg, अगर 4 kg से 8 kg के बीच में अपना वजन कम कर ले, यानी 76 kg से 72 kg के बीच में लाया है, तो उसका 90% जो समस्या है वो समाधान हो जाता है। तो इस तरह से जो है, अपना वेट सही कीजिए, डाइट सही कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और अगर आपका लिपिड प्रोफाइल लेंस ज़्यादा है, तो एक्सी सब सही नहीं हो रहा, तो मेडिसिन खाइए, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो होता है एंजाइम, उसको रोकने के लिए, जहाँ कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है वहाँ पर रोकने के लिए जो एंजाइम होता है उसको रोकने वाला, मैंने बनाने वाले एंजाइम को रोकने वाला जो ड्रग आता है, जैसे एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन आता है, आप उसको रोक लेके कम कर सकते हैं। इंसुलिन खास कहता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत घट जाता है, यानी एक इंसुलिन जितना काम पहले कर सकता था मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मरीज में, उससे बहुत कम काम करता है। तो उसको बढ़ाने के लिए डाइट, एक्सरसाइज तो है ही, अच्छा स्लीप ले रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ साथ मेडिसिन अगर लेना चाहते हैं तो मेटफॉर्मिन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 1500, 2000 इतने तक ले सकते हैं। एक पायोग्लिटाजोन ग्रुप का ड्रग है, जिसका काम भी इंसुलिन को सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जैसे पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, इस सब नाम से इसमें आता है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी का शुगर बढ़ा हुआ है तो उसके साथ साथ ये सब तो हाई इंसुलिन सेंसिटिव ड्रग, मेटफॉर्मिन, और भी ड्रग ले सकते हैं, इंसुलिन भी ले सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी को बढ़ाने घटाने के लिए जो मेडिसिन चलता है, उसमें बहुत सारा मेडिसिन है, जैसे एसी इनहिबिटर होता है, जिसका काम होता है खून के नली जो सिकुड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा और फैला जाता है, जिस कारण से खून के अंदर, नली के अंदर का प्रेशर घट जाता है, जिसको मतलब ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो कम हो जाता है, क्योंकि नली फैल जाता है एसी इनहिबिटर से। उदाहरण में है रेमिप्रिल है, और भी बहुत सारा है, उसकी उस ग्रुप का ड्रग सब है, जिसमें टेलमिसार्टन, लोसार्टन, ये सब ड्रग आता है, तो ये सब इस्तेमाल करके अपना बीपी, बीटा ब्लॉकर एक ड्रग होता है, जिसमें काम होता है सीधा हार्ट के गति को कम कर देना, हार्ट के जो पावर, इस पावर से हार्ट खून पंप कर रहा है उसके पावर को कम करना, उसके लिए बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बीपी कम करने के लिए जो ड्रग हुआ, जैसे एसी इनहिबिटर, खून की नली को फैला करके, बीटा ब्लॉकर हार्ट की गति को, हार्ट के पावर क्षमता को कुछ कम करके, या डायबिटिक्स होता है जो पानी शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको थोड़ा बहुत निकाल करके, उससे बीपी कम होता है। तो इन सारे ड्रग्स से आप बीपी कम करते हैं, शुगर कम करने के लिए इंसुलिन, साथ साथ में आपको जो मेडिसिन बोले इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जैसे पायोग्लिटाजोन हुआ, मेटफॉर्मिन हुआ, तो ये सब ड्रग लेकर के भी कम कर सकते हैं। और साथ लिपिड प्रोफाइल के लिए बता ही दें, कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाला, जहाँ कोलेस्ट्रॉल बनता है उसके प्रोडक्शन को रोकने के लिए जो एंजाइम बना रहा है, उस एंजाइम को रोकने के लिए ड्रग आता है, जैसे एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, ये सारा ड्रग लेकर के भी उसको आप कम कर सकते हैं। तो सबसे जो घरेलू उपाय हो गया कि आपको डाइट सही रखना है, वेट सही रखना है, 30 मिनट रोज एक्सरसाइज करना है, दिमाग को टेंशन फ्री रखना है, अगर कोई नशा करते जैसे सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद कर देना है और बंद किए रहना है, नींद में खराटा है तो अपना वेट सही कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उससे भी आप खराटा कुछ हद तक कमेगा। तो चीज़ों को समझना जरूरी है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक स्थिति है जो भविष्य में होने वाले बीमारियों को इंडिकेट कर देता है। अगर सभी लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जान ले, लोगों तक तो पहुंचा दे इस वीडियो के माध्यम से,
तो हमें लगता है कि आधे हॉस्पिटल की जरूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ब्लड प्रेशर के बढ़ने से बहुत सारा बीमारी होता है, डायबिटीज़ के होने से बहुत सारा बीमारी होता है, और मोटा होने से बहुत सारी बीमारी होता है, यहाँ तक कैंसर भी ज़्यादा होता है, हड्डी का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट प्रॉब्लम होता है। तो चीज़ें कि बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में समझते हैं, जानते हैं, और ये देखते हैं अगर आपके साथ लागू हो रहा है, जैसे आपका वजन ज़्यादा है, आपका पेट निकला हुआ है, आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, लिपिड फ्रॉम दो बोते ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छे कोलेस्ट्रॉल का कम होना, शुगर बढ़ना या बीपी बढ़ना, मोटा होना, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। धन्यवाद।